वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास हमने स्टडी किया था, अनिल और जो हरी सिंह है वो आपस में एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा जानने लग गए हैं। और हरी सिंह जो है अपना काम कर रहा है, मतलब जो भी उसका नेचर है, जैसे मान लो प्रॉफिट कमाना है, डेली जो चीज़ें वो खरीद के लाता है बाजार से, उनमें से वो 1-1 रुपीज़ डेली का प्रॉफिट ले रहा है। और ये बात अनिल को अच्छी तरह से पता भी है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहा है। ओके, इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा ट्रस्ट करके और अनिल जो है उसको चाबी दे देता है घर की चाबी दे करके। और अनिल चाबी देता है तो वो ये विश्वास देखना चाह रहा है कि ये बंदा कितना विश्वास पात्र है, या कितना मेरे साथ विश्वासघात करेगा या विश्वास करेगा, ये चेक करने के लिए वो चाबी उसको देता है। अनिल थोड़ा सा बिल्कुल यूँ कह सकते हैं आप ऑनेस्ट पर्सन है। ओके, अब वो ये सोच रहा है हरी सिंह कि मेरे को चाबी दे दी, मैं जब आऊँ तब मैं आ सकता हूँ, जब मैं जाऊँ तब मैं जा सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ओके, इस प्रकार का बिहेव जो है वो हरी सिंह कर रहा है। ओके, इस प्रकार की जो स्टोरी है वो हमने प्रीवियस जो रिलेशन है या प्रीवियस जो लेक्चर है अपना पैराग्राफ उसमें स्टडी किया था। और लास्ट में हरी सिंह ने ये बताया था कि ये जो इंसान है सबसे ट्रस्टिंग पर्सन है। कौन? अनिल है, वो हरी सिंह लिए सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था इन द वर्ल्ड, यूँ कह सकते हैं आप। संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र अगर कोई है तो वो किसको मान रहा है? अनिल को मान रहा है, जबकि खुद क्या कर रहा है? विश्वासघात कर रहा है। ओके, अब देखते हैं जो नेक्स्ट पैरा है अपना, जो नेक्स्ट आज का नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आगे जो स्टोरी है उसको एलिब्रेट करते हैं और देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट उसमें क्या होता है। देखिएगा, And that is why. Okay, it was so difficult to rob him. And that is why it was so difficult to rob him. क्या हुआ? And that is why means यही कारण है कि, that's why भी कह सकते हैं इसको आप, क्या कह सकते हैं? That's why. यही कारण है कि, क्या कारण था? इट वॉज सो डिफिकल्ट, बहुत कठिन था टू रोब अनिल, अनिल को लूटना बहुत कठिन बात थी या कठिन था। अब कठिन क्यों था, इसका रीजन देखिएगा। इट्स ईजी, बहुत आसान था टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान था, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, वो लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता था। अगर वो खुद लूट चुका है इस बात को वो अफोर्ड कर सकता था, अफोर्ड का मतलब वहन करना, उस चीज को टॉलरेट करना। ओके, इसकी जस्ट बात में क्या है? बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, एक लापरवाह इंसान को लूटना कठिन था। केयरलेस मीन्स लापरवाह। क्यों? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, वो ये भी नहीं देखता, कभी कभार वो ये भी नहीं देखता, नोटिस मीन्स देखना, कि ही हैज बीन रोब्ड, उसको लूट लिया गया है। लापरवाह इंसान ये भी नहीं देखता कई बार कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट टैक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, टैक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क मीन्स होता है काम का सारा आनंद समाप्त हो जाना। ओके, इस प्रकार से जो काम कर रहा है, कौन? चोर जो भी काम कर रहा है, उस चोर के किए गए काम का सारा आनंद ही खत्म हो जाता है, सारा आनंद ही खराब हो जाता है। लूटने की कोशिश की है, लूट भी लिया है, बट केयरलेस जो मैन है उस केयरलेस मैन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुझे लूट भी लिया गया है। ओके, इस प्रकार ये जो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अंडरलाइन किया है, इट इज से लेकर के और यहाँ तक वर्क तक, ये इंटरनल क्वेश्चन में भी बनता है, इंटरनल क्वेश्चन जो इसका आंसर है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, 10th RBSC बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि इसको लूटना जो है वो कठिन क्यों है, जैसे इसका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए ग्रीडी मैन। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। ये दोनों प्रकार के जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। ओके, कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे यहाँ
बनते हैं, एग्जाम में आते हैं। इंटरनल क्वेश्चन जो है ये डेफिनेटली बनता है और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बनता है। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ देखो थोड़ी सी बात अपन करेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन जब स्टडी करेंगे उसमें दो तीन बातें और हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। इसकी जस्ट बात देखिएगा, वेल ठीक है, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यही टाइम है कि मैंने कुछ वास्तविक काम किया। ओके, और आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम, अब यहाँ पर कौन है, आई जो है ये हरी सिंह है, राइटर है, नरेटर है ये। ओके, नरेटर ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ वास्तविक काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं इस प्रैक्टिस से बाहर हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक नो मनी, यदि मैं यहाँ से पैसा नहीं ले जाता हूँ, हरी सिंह से पैसा मैं, सॉरी इससे अनिल से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो जो अनिल के पास पैसा है वो अनिल अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग किसकी है, हरी सिंह की है। ओके, हरी सिंह अपने आप से कह रहा है कि मैंने अगर इससे पैसा नहीं लिया, इससे मैंने पैसा मान लो नहीं लूटा, चाहे वो विश्वास में लेके लूटे, तो ये फिर क्या करेंगे, सारे पैसे को बर्बाद कर देगा और सारा पैसा अपने जो फ्रेंड सर्किल में है उनके ऊपर खर्च कर देगा, क्योंकि ये इंसान क्या है, ट्रस्टिंग पर्सन है और इसके जो फ्रेंड्स सर्किल वाले लोग हैं वो इसको ट्रस्ट में लेकर के और इससे पैसा खर्च करवा लेंगे, ऐसा ये सोच रहा है। ओके, तो ये देखिएगा आगे, इसके जस्ट बाद में एंड, ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, मुझे वो पैसा चुकाता भी नहीं होता, मैं इसके यहाँ काम करता हूँ ना, मुझे पैसा भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके बदले में, इसमें पैसा लेता, मतलब लेता तो, लेकिन देता ही नहीं है पैसा, ये पैसा नहीं दे रहा तो मैं इनडायरेक्टली कैसे नहीं कैसे करके और इससे कम से कम मैं पैसा लूट लूँ, तो मेरा काम भी पूरा हो जाए, और ये खुद लापरवाह इंसान है तो अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा, उसके बाद क्या मतलब। ओके, अनिल वॉज एस्लीप, अनिल उस टाइम सोया हुआ था। ओके, ए बीम ऑफ मूनलाइट, सूर्य चंद्रमा, सॉरी चंद्रमा है, मूनलाइट चंद्रमा की जो रोशनी है उसकी एक किरण स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी की तरफ आगे बढ़ी, स्टेप्ड का मतलब बढ़ी या आगे चली, ओवर द बालकनी, बालकनी की तरफ जो है एक जो चंद्रमा की रोशनी है उसकी एक किरण आगे चली, एंड फेल ऑन द पैड, और वो किरण कहाँ पड़ी, फेल ऑन द बेड, बेड पर वो गिरी, तो प्रकाश जो है वो किसका, चंद्रमा का, वो बेड पर गिरा बालकनी के थ्रू। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर जो है फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को समझते हुए, यदि अनिल उठ गया तो हमारी बहुत बड़ी, मतलब मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अनिल उठे भी नहीं, ओके, और मेरा काम भी हो जाए, रात का टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनिल आराम से सो रहा है, और पैसा कहाँ छुपा हुआ है, वो मैट्रेस के नीचे है, चटाई के नीचे है, इस बात का पता ऑलरेडी जो है वो हरी सिंह को है। ओके, तो ये चाह रहा है कि ये पैसा मैं यहाँ से निकाल लूँ, लेकिन सिचुएशन जो है उसको समझते हुए, ऐसा नहीं कि किस प्रकार से, सिचुएशन को भापते हुए वो पैसा निकालने की फिराक में है। ओके, इफ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसा लिया, ओके, तो क्या होगा, आई कुड कैच, मैंने पैसा ले लिया, लेने के बाद मेरा प्लान क्या है वो देखो आप, इसका हरी सिंह का, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ के लिए जो 10:30 बजे ट्रेन जाती है रात को, मैं उस ट्रेन को पकड़ लूंगा और सीधा यहाँ से लखनऊ। ओके, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरफ जो है सरकता है वो धीरे से, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर आ जाता है सरक करके, पहले उसने कोट रखा होगा ब्लैंकेट। आई क्रैप्ड अप, मैं रैंक करके गया, क्रैप्ड में रैंक करके जाना, टू द बेड, बेड तक ही रैंक करके गया है। ओके, अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बिल्कुल शांति से सो रहा था, पीसफुली मीन शांतिपूर्वक। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था, एंड अनलाइंड, अनलाइंड का मतलब यहाँ रेखाओं से नहीं है, मतलब बिना चिंता के, केयर फ्री है बिल्कुल, वो चेहरा स्पष्ट है और कोई चिंता की जो रेखाएं हैं, लकीरें होती हैं चेहरे पर, वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि वैसे भी इसके ऊपर जो है एक लाइन में केयरलेस बताया गया है। ओके, इवन आई हैड मोर मार्क्स, फिर वो कह रहा है कि मेरे चेहरे पर तो क्या थे, ज़्यादा निशान थे, निशान का चिंता की लकीरें, आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, ये चिंता की लकीरें मतलब टेंशन की लकीरें, आप कहते हैं अगर पकड़ा गया मैं तो मेरे साथ में क्या होगा, इस प्रकार जो है
वो घबरा रहा है और वो लकीरें जो है बता रही है कि रियल में इंसान घबरा रहा है, काम तो गलत कर ही रहा है लेकिन फिर भी वो घबरा रहा है। और वो कह रहा है कि मेरे चेहरे पर ये ज़्यादा निशान थे, आई हैड मोर मार्क्स, और ज़्यादा निशान थे माई फेस, मेरे चेहरे पर, दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, लेकिन मेरे चेहरे पर क्या थे, घाव थे, निशान तो मेरे चेहरे पर थे। देखो वैसे इनडायरेक्टली दो बातें हैं इसमें, एक तो निशान वैसे होते हैं चिंता के, एक निशान जैसे मान लो कोई इस प्रकार के हरी सिंह जैसा इंसान है बदमाश प्रवृत्ति का, तो उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं घाव के निशान है, होते ही हैं, जो चोर लुटेरे होते हैं उनके कभी भी निशान लोग बना देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, दो माइंड वर मोस्टली स्कैर्स, स्कैर्स मींस घाव, उसके चेहरे पर जो है घाव ज्यादा है। ओके, इस प्रकार से हमने इसमें स्टडी किया कि अनिल का जो अनिल ने विश्वास कर रखा है हरी सिंह पर, लेकिन हरी सिंह विश्वास के लायक नहीं है और अब वो टोटली क्या कर रहा है, उसे विश्वासघात करके और जो पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पर पैसा, उसके ब्लैंकेट के नीचे है, मैट्रेस के नीचे जो है, वहाँ से वो पैसा निकाल करके और अपना वहाँ से लूट करके और लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने की फिराक में। ओके, ये हमने इसमें स्टडी किया है। अब इसमें देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग में स्टडी करेंगे, वो भी करना मस्ट है, क्योंकि अगर ग्रामेटिकल पोर्शन आपको नहीं आएगा तो इसका ट्रांसलेशन अच्छे नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ, एंड दैट इज व्हाई, दैट्स व्हाई, देखो ये वर्ड जो है दैट इज व्हाई, ये कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, दैट्स व्हाई ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कई बार, ये दैट इज व्हाई, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, उसको लूटना यही कारण था कि उसको लूटना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो वो जो सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट टेंस आ गया, सिंपल टेंस, टू रोब, ये इन्फिनेटिव आ गया, टू इन्फिनेटिव। ओके, बार बार कह रहा हूँ आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है इन्फिनेटिव, जिसमें दो इन्फिनेटिव होते हैं, एक होता है बेयर, एक होता है टू, यहाँ पर टू लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ये टू इन्फिनेटिव, इसके जस्ट बाद में जो अंडरलाइन किया हुआ यहाँ तक का सेंटेंस है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक दो बार पूछा भी गया है पहले 10th RBSE बोर्ड में, तो आप इसका ध्यान रखें। ये आंसर है किसका, वाई इज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए विच मैन हु इज केयरलेस मैन, वाई इज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, और वाई इज इट डिफिकल्ट टू रॉब ए, यू कैन से देयर आर टू पर्सन हियर ग्रीडी मैन। ओके, तो why is it difficult to rob a greedy man और why is it difficult to rob a careless man, तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, greedy man को लूटना तो easy क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, he can afford, वो afford कर सकता है to be robbed, लूटे जाने का मतलब अपना खुद ही लूट गया है तो लूट जाने के जो भी टेंशन है मान लो उसको वहन कर सकता है, ठीक कोई बात नहीं है, इतना पैसा इतना चला गया कोई फर्क वाली बात नहीं। फिर दूसरी बात आगे देखिएगा, इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लापरवाह इंसान को लूटना तो और भी कठिन है, क्यों, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कई बार तो क्या होता है वो देखता ही नहीं है क्या कि ही हैज बीन रॉब्ड, उसको लूट भी लिया गया है, एंड दैट टैक्स, और फिर क्या होता है उससे, दैट टैक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, सारा जो काम का आनंद है वो खत्म हो जाता है जब आदमी लूटता है ना, और लूट करके जब तक इंसान उसे चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं देखता तब तक उसको चैन नहीं मिलता, किसको, चोर को। लेकिन चोर यहाँ करके भी क्या है, एक तरह से उसका काम का जो आनंद है वो सारा खत्म ही हो गया कि मैंने तो किस लिए किया था और इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर जो ही हैज दे रखा है तो इसमें क्या होता है, कई बार ये इज भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके जस्ट बाद में जो वर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि इज है या हैज है, जो भी है। यहाँ पर बीन शब्द आ रहा है तो बीन तो हमेशा किसके साथ आता है, हैज या हैव के साथ। अब ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो किसका यूज होता है, हैज बीन का यूज ही होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो ये ध्यान रखने की बात। ये पैसिव बन गया, ही हैज बीन रॉब्ड, ओके, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है। पर यहाँ पर भी प्रेजेंट, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसका नेगेटिव सेंटेंस, ओके। वेल, ठीक है, आगे देखिए, वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यही समय है, पहली बार जो है मैंने कुछ काम किया, वास्तविक काम किया है, ये नरेटर कह रहा है। तो यहाँ पर इट्स मीन्स इट इज, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, स्पोकन में आजकल शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा चलती हैं, इसलिए हम भी थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वेल इट इज टाइम
आई डिड सम रियल वर्क, कुछ मैंने वास्तविक काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि आई एम आउट ऑफ द प्रैक्टिस, आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं तो इस काम की बिल्कुल प्रैक्टिस से बाहर हूँ। अपने आप को बोला उसने, ये काम मैंने किया नहीं तो मैं इससे बिल्कुल बाहर हूँ। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वही अपने दोस्तों पर जो है वो खर्च कर देगा। तो यहाँ पर देखो ही विल, जो है विल होता है या सेल होता है, तो मैक्सिमम स्पोकन इंग्लिश में आजकल जो सेल को तो फिनिश कर दिया गया और विल का यूज ज्यादा होने लग गया है। ओके, जस्ट बात देखिएगा, आफ्टर ऑल आखिरकार ही डजंट इवन पे मी, मुझे वो पैसा तो नहीं चुकाता ना जो उसके यहाँ काम करता हूँ, उसका पैसा मुझे वो नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिएगा डोंट डजंट आ रहा है, प्रेजेंट कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का भी नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अनिल वॉज एस्लीप, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल का यूज है, वॉज का यूज किया गया है, तो अनिल क्या है वो सोया हुआ था। ओके, इसके जस्ट बाद में ए बीम ऑफ मूनलाइट, सूर्यास्त होने के बाद जब भी चंद्रमा जो है चमकता है और पूरा चंद्रमा जब चमक जाता है तो उसकी जो लाइट है उसको कहते हैं मूनलाइट। वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, उसकी किरण जो है थोड़ा सा आगे बढ़ी बालकनी की तरफ, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर गिरी। कौन? मूनलाइट की जो बीम है, बीम ऑफ मूनलाइट। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, सेट अप मींस बैठा हुआ, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को समझते हुए, इफ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसा नहीं, मैं पैसा अगर मैंने ले लिया तो क्या करेगा ये, यदि मैंने पैसा लिया या मुझे पैसा मिल गया है तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, लखनऊ के लिए जो है मैं एक्सप्रेस जो है पकड़ लूंगा। ओके, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से थोड़ा सा बाहर सरकते हुए आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं बेड तक थोड़ा सरक करके गया, क्रैप मींस तो सरक करके जाना, यहाँ जो है बिल्कुल जो एक रेंगना होता है जिसको कहते हैं हिंदी में, उस वर्ड के लिए भी, रेंगने के लिए भी यही शब्द आता है, यही वर्ड आता है। यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था, तो यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अनिल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ रहा है, वो जा रहा है, प्लूरल होता तो क्या आता, वर आता। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल क्लियर था, यहाँ पर पास्ट सिंपल नजर आ रहा है आपको। ओके, अनलाइंड, बिना चिंता के रेखाओं के, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। इवन आई हैड मोर मार्क्स, मेरे चेहरे पर जरूर कुछ निशान थे, कब के निशान बता रहा, देखिए आगे, दो माइन मोर मोस्टली स्केर्स, मेरे तो जो चेहरे पर था जो निशान थे ना वो अधिकतम कौन से थे, घाव के निशान थे, इसके अलावा कोई दूसरे निशान जो है मेरे चेहरे पर नहीं थे। इस प्रकार हमने जो है इस पूरे पैराग्राफ का स्टडी किया है, तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। ओके, अब थोड़ा सा हम जो है इसको देखते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग, उसे देख लिया लेकिन थोड़ा सा वैसे अलग से टेंसेस का यूज करके देख लेते हैं, थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा आपको। बट आपको जितना बताया जा रहा है उन टेंसेस का आप यूज करें क्लास के दौरान, जो भी टेंस बताए जा रहे हैं, जिन जिन का यूज बताया जा रहा है, उनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस मिल लें, ताकि आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ट्रांसलेट करना बड़ा ईजी है, बट आपको टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो अगर जानकारी आपको नहीं है तो ट्रांसलेशन में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, हमें इसको सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। ओके, तो ये अपना पैराग्राफ था, और थोड़ा सा एक बात और आप ध्यान में रखें, जो भी वीडियो या लेक्चर चल रहे हैं उन लेक्चर्स को आप कंप्लीटली देखें, एक मिनट का, दो मिनट का, पाँच मिनट का देख करके आप छोड़ देते हैं तो मेरे हिसाब से इसका कोई बेनिफिट नहीं, इस बात को आप भी जानते हैं। जब आप कंप्लीट इसको देखेंगे तो इसका बेनिफिट मिलने वाला है। दो मिनट का देखने से क्या मतलब है उसका, एक कंप्लीट इसको देख लेंगे आप तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी। फिर भी अगर आती है तो आप पर्सनली जो है कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल एडवांस जो है वो सॉल्व किया जाएगा। रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप जो भी वीडियोज हैं जो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, उनको कंप्लीट देखें। 15-20 मिनट का मान लो, 25 मिनट का मान लो जो वीडियो होता है, उसको जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है।
तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस कंप्लीट जो भी लेक्चर है उसको कम्प्लीटली आप देखें, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं हम अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आए। फिर भी नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पर्सनली जो कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये जो है आपको जो है इन चीज़ों को देखना है और केयरलेस नहीं बनना है। ओके, तब तो ये जो हमारा जो मिशन है लॉकडाउन के दौरान जो अपना मिशन चलाया है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का, आपकी स्टडी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ओके, तो ये क्रिएट तभी नहीं होगी जब आप इसको कंप्लीट देखेंगे। तो आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें, समय का सदुपयोग करें, और जो मैटर जितना बता दिया उसको आप टाइमली जो है वो लर्न करते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।